हेलो फ्रेंड्स, मैं करिश्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल टेक्नोकैश में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ द कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। बिफोर दैट वी विल सी द व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। व्हाई वी आर यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट? द कंटिन्यू इज़ यूज इनसाइड अ लूप टू रिपीट द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। व्हेन कंटिन्यू इज एग्जीक्यूटेड, सबसिक्वेंट स्टेटमेंट इन द लूप आर नॉट executed and control of execution goes back to the what? Next repetition of loops. So in previous video we will see how to write the continue and semicolon. So let's see the program. Here we do the program descending order. So in this program we will use the continue statement. Class name DSC. After that we write the public static void main. This is your what? Main method. String args. Okay, descending order is nothing but 10, 9, 8. Okay, so here we use the which loop? For loop. How to write? Here we need to what? Declare the one variable int I. Okay, suppose here we write the I is equal to what? 10. Then after that semicolon, I is greater than equal to what? 1. Then I minus minus, because decrement the value by 1. अगर मेरी आई की वैल्यू 10 है तो वो डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी? 9, फिर 8, फिर 7 टिल 1 तक। बट यहाँ पे अभी मुझे क्या यूज़ करना है? कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करके दिखाना है। देन हाउ टू राइट? सपोज हियर वी गिव द कंडीशन इफ आई इज व्हाट? ग्रेटर देन 5, देन व्हाट? कंटिन्यू दिस इटरेशन। Okay, semicolon. This is what syntax of continuous statement. Then system.out.print. Okay, यहाँ पे मैंने I print किया। अभी continue का use क्या है? Go back in the loop. क्या करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट? व्हेन कंटिन्यू इज एग्जीक्यूटेड, सबसिक्वेंट स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड इन द लूप एंड कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन व्हाट? गोज बैक टू द नेक्स्ट रिपीटेशन ऑफ लूप। सो व्हाट? गो बैक इन द लूप। सो कंपाइल द प्रोग्राम, no syntax error, close, call the main method. Okay, see here 5, 4, 3, 2, 1, this is your descending order. Matlab yahan pe kya hua? Let's see, for I is equal to 10, I is greater than 1, greater than equal to 1, yes. If I ki value kya hai? 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 5, येस, तो कंटिन्यू करो। मतलब हमारा जो सबसिक्वेंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। कंटिन्यू मतलब हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? फिर से इटरेशन के पास जाएगा, लूप में चला जाएगा। यहाँ पे फिर से वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, 9, 9 इज ग्रेटर देन 5, येस, फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, फिर से हमारा लूप यहाँ पे आ जाएगा, आई की वैल्यू फिर से डिक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, 8 इज ग्रेटर देन 5, येस, टिल कब तक? जब तक मेरा i ग्रेटर देन 5 है तब तक। अभी i सपोज यहाँ पे मेरा 5 हो जाएगा, ओके, 5 इज ग्रेटर देन 5, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। अभी हमारा ये सबसिक्वेंट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ पे i की वैल्यू 5, फिर 4, 3, 2, 1, ओके, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब हमारा जो ये सबसिक्वेंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। आया समझ में? कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज क्या है? कंटिन्यू क्या करता है हमारा? द लूप टू रिपीट द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। ओके, मतलब ये क्या करेगा? हमारा जो इटरेशन है, लूप है, उसके पास कंट्रोल चला जाएगा,
जो सब्सिक्वेंट है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो दिस इज यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप्स. नेक्स्ट वी सी द रिटर्न स्टेटमेंट. वॉट इज द यूज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज इन अ मेथड टू कम आउट ऑफ इट टू द कॉलिंग मेथड. सो वॉट इज द मेथड. मेथड इज नथिंग बट वॉट इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एंड परफॉर्म्स अ टास्क. इट मीन्स मेथड इज यूजफुल टू परफॉर्म द वॉट सर्टन कैलकुलेशन. ओके, अभी हमारे यहाँ पे हम लोग कौन सी मेथड यूज करते हैं. मैन मेथड यूज कर रहे हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज द अनादर मेथड ऑल्सो. बट मैन मेथड इज वॉट नेसेसरी इन एवरी प्रोग्राम. सो अगर मुझे दूसरी मेथड क्रिएट करनी है तो दिस मेथड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल फ्रॉम द अनादर मेथड. ओके, सो द फर्स्ट मेथड दैट इज एग्जीक्यूटेड इन जावा विच प्रोग्राम बाय द JVM. दिस इज नथिंग बट योर वॉट मेन मेथड. सो इफ यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट एनी अदर मेथड वी शुड कॉल इट फ्रॉम वॉट मेन मेथड. वो मेथड मुझे कहाँ से कॉल करनी पड़ेगी. मेन मेथड से कॉल करनी पड़ेगी. ओके, लेट्स सी द प्रोग्रामिंग. सपोज हियर वी यूज डू द वॉट स्क्वेयर ऑफ नंबर. इट इज ऑल दिस पार्ट. अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, नंबर का स्क्वेयर कैलकुलेट करना है यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट. ओके, और यहाँ पे मैं एक अनादर मेथड यूज करने वाली हूँ और वो मेथड कहाँ पे कॉल करूँगी, मेन मेथड में कॉल करूँगी. ओके, सो मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है अभी, क्लास. क्लास नेम इज नथिंग बट वॉट स्क्वेयर. उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main. ये मेरी क्या है, मेन मेथड है. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग args. ओके, ये तो मेरी मेन मेथड हो गई. अभी मुझे क्या करना है, अनादर मेथड क्रिएट करनी है और उस मेथड को मुझे कहाँ पे कॉल करना है, मेन मेथड में कॉल करना है. अभी ये मेथड में क्या ले रही हूँ, स्टैटिक ले रही हूँ. अगर मेरी मेथड स्टैटिक है देन हाउ टू कॉल क्लास नेम डॉट मेथड नेम. अगर मैंने स्टैटिक नहीं यूज़ की तो वी नीड टू कॉल दिस मेथड थ्रू द ऑब्जेक्ट. हम लोग ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस मेथड को कॉल करेंगे. ओके, अभी यहाँ पे मैंने वो मेथड, ये मेथड कौन सी ली है, स्टैटिक ली है. अभी यहाँ पे मेरा रिटर्न टाइप क्या है, इंट है. सपोज यहाँ पे मैं मेथड नेम लेती हूँ SQU. ओके, अदरवाइज हाँ ठीक है. हियर वी नीड टू व्हाट, पास द वन नंबर. सपोज हियर इंट n लिया मैंने. अभी मुझे क्या करना है, स्क्वायर को कैलकुलेट करना है. हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि a स्क्वायर. ओके, मतलब जो भी नंबर है, अदरवाइज n स्क्वायर. Here we need to write the what, n into n. अभी मुझे क्या करना है, return use करना है. Return what, n into n. अभी यहाँ पे क्या होगी, मेरी value return हो जाएगी. Means what, return square value. सी स्टैटिक इंट, मेरा डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर है. सो वी नीड टू सम रिटर्न वैल्यू. इंट एन मैंने पास किया, यहाँ पे वैल्यू पास हो जाएगी. सो रिटर्न एन इन टू एन, यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा, स्क्वायर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. अभी हमारा जो JVM है, JVM जावा वर्चुअल मशीन, वो क्या फर्स्ट फाइंड आउट करता है, हमारी मेन मेथड को. ओके, तो वी नीड टू कॉल दिस मेथड इन वॉट, योर मेन मेथड. देन हाउ टू कॉल, दिस इज वॉट माई स्टैटिक मेथड. सो क्लास नेम क्या है मेरा, एस स्क्वेयर है. ओके, स्क्वेयर डॉट वॉट, विच मेथड नेम इज नथिंग बट SQU. अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, नंबर पास किया है यहाँ पे. ओके, तो सपोज यवि पास द वॉट 5. मेथड को तो मैंने कॉल कर दिया,
बट यहाँ पे मेरा जो रिटर्न डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। अगर वॉइड है तो इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मतलब अभी यहाँ पे जो भी वैल्यू मेरा स्क्वायर रिटर्न करेगा वो वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी। सो हियर वी डिक्लेयर द सम वेरिएबल, अदरवाइज डायरेक्टली डिक्लेयर इंट आर ई एस एज अ रिजल्ट करके। तो ये रिजल्ट है, अदरवाइज ये जो वैल्यू है मेरी किस में स्टोर हो गई, आर ई एस में स्टोर हो गई। सो वी नीड टू प्रिंट दिस रिजल्ट। हाउ टू प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, वॉट यू गिव द सम मैसेज, स्क्वेयर इज प्लस आर ई एस। ओके, ये रिजल्ट मेरा प्रिंट हो गया। अभी इसका मीनिंग क्या है, ओके ये मेथड जो है मेरी कौन सी, एस क्यू यू, ये जो मेथड है स्क्वेयर, ये मेथड क्या है मेरी, स्टैटिक है। सो वी कॉल इट फ्रॉम व्हाट, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, एंड हियर वी व्हाट स्टोर द रिजल्ट इन आर ई एस। कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज। ओके, मेन मेथड को कॉल करना है, कॉल किया, ओके आया, स्क्वेयर इज 25। ये वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र के थ्रू भी ले सकते हैं, पता है यूजिंग स्कैनर क्लास। यहाँ पे अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है, सपोज हियर वी राइट द 10, कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, मेन को कॉल किया, आया, स्क्वेयर इज 100। यूज़र के थ्रू भी आप लोग वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी प्रोसेस देखो, क्लास स्क्वेयर, मेन मेथड को, यहाँ पे मेरी जो भी JVM है वो मेन मेथड को देखेगा, यहाँ पे आएगा, देखेगा क्या लिखा है हम लोगों ने, इंट आर ई एस इज इक्वल टू स्क्वेयर डॉट एस क्यू यू। अभी ये मेथड जो है मेरी कॉल हो गई, तो ये मेथड कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जाएगा। मैंने 10 वैल्यू पास की है, तो इंट इज़ नथिंग बट यहाँ पे 10 पास हो जाएगा। रिटर्न 10 इंटू 10 इज़ नथिंग बट 100। अभी ये क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। व्हाई, यू हैव यूज द व्हाट, इंट। वैल्यू को रिटर्न किया है और किस में स्टोर किया है, मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया है। अगर यहाँ पे मेरा वॉइड होता, सो वी नॉट नीड टू राइट द व्हाट, इंट आर ई एस, वी नॉट नीड टू स्टोर द रिजल्ट इन एनी अदर वेरिएबल। ओके, बट यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है, इसलिए रिजल्ट भी मेरा कहाँ पे स्टोर होगा, एक वेरिएबल में स्टोर होगा इंटीजर टाइप के, एंड देन हियर वी विल प्रिंट द रिजल्ट। ओके, सो गॉट इट, हाउ टू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट, किस लिए यूज करते हैं, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू कॉलिंग टू मैथ वॉट इन मैथड टू कम आउट ऑफ इट टू द कॉलिंग मैथड। ओके, एनी डाउट, अगर कुछ भी डाउट है राइट इन कमेंट्स। थैंक यू।